क्या मॉनसून पिकनिक हंगामा शिव तीर्थ में? जी हाँ, पहली बार डैम, जंगल, झरना और मुंबई गोवा वाली सबसे थ्रिल वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग, बहुत घूमे वाटर पार्क, अब की बार बोटिंग पार्क, साथ में पानी में एडवेंचर और वाटर पार्क का जबरदस्त मजा। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मॉनसून पिकनिक मन पसंद, भूल न जाना शिव तीर्थ आना। हमारा पता उमरी डैम सामने नागपुर। पचोरी सांझ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लाए है हाई ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के साथ सांझ एलईडी लाइट। अन्य एलईडी लाइट की तुलना में 6 घंटे ज्यादा चले और पूरी 85% बिजली बचाए। 9 वॉट के एलईडी बल्ब 2 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। इंडिया की नंबर 1 ISO सर्टिफाइड कंपनी। तो अपने घर और शॉप की रौनक बढ़ाने के लिए सिर्फ सांझ एलईडी बल्ब अपनाएं। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर आदिवासी समाज ने एकजुट होकर घटना का पुरजोर विरोध किया। कोई तोड़ गोंडवाना महासभा छात्र संगठन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हुई जमकर नारेबाजी से थोड़ी देर के लिए विरोध उग्र होता हुआ भी दिखाई दिया। तीन शेर चौक से रैली निकालकर आदिवासी समाज ने तार बाजार बस स्टैंड के रास्ते SDM कार्यालय पहुंचे। यहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कुकी जाति, जो कि आदिवासी समुदाय से आती है, कि दो बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। युवाओं ने कहा कि मणिपुर में लंबे समय से हिंसा हो रही है, वहां की भाजपा प्रदेश सरकार इस हिंसा पर काबू नहीं पा पा रही है। इसी तरह केंद्र की मोदी सरकार भी सिर्फ तमाशा देख रही है। इन दोनों सरकारों को इस घटना के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। वहाँ पर लगभग 70 दिनों से हिंसा चल रहा है, लेकिन वहाँ की वर्तमान सरकार और मोदी सरकार, उनके आँख आज भी नहीं खुली है। वहाँ पर हमारे लगभग 200 से 250 हमारे बहनों के साथ बलात्कार हुई है, उनको गोलियों से मारा गया है। हम चाहते हैं कि वहाँ की सरकार कड़ी कदम उठाए, और नहीं तो वहाँ की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। आज ये पूरा समाज खड़ा है, ये समाज आज जवाब मांगता है वहाँ की सरकार से कि 70 दिनों से वहाँ पर हिंसा चल रहा है, तो वहाँ का सरकार कहाँ गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी RSS से जुड़े हुए हैं, दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जनपद पंचायत सभा कक्ष में स्थायी शिक्षा समिति की बैठक अध्यक्ष लता तुमड़ाम व सभापति भीमराव वालके की उपस्थिति में हुई। इस बैठक में सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद को लेकर जनपद सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज किया। स्कूल प्रारंभ हुए 2 महीने हो रहे हैं और विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। इस विषय पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सवाल जवाब भी हुए। बैठक में BEO योगीराज वानोड़े और BRC लहू सरोदे ने संकुल प्राचार्यों के माध्यम से समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारियां प्रदान की। BEO ने बताया कि इस वर्ष शासन ने प्रत्येक विद्यालय के प्रथम आने वाले छात्र छात्रा को स्कूटी प्रदान की जाएगी, ऐसे 34 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। जो टॉप के दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, उनको स्कूटी देने का निर्णय लिया है। ऐसे परसेंटेज नहीं, परसेंटेज का उसको सारा में जो टॉप है, तो ऐसे दो बच्चों में, एक लड़का और एक लड़की को, ऐसे 17 से 34 बच्चों अभी 5 तारीख को इस बैठक में बनगांव के संकुल प्राचार्य सोन कुसरे सर ने पाइपलाइन से शाला के लिए नल कनेक्शन दिलाने की मांग की। इस बैठक में संकुल प्राचार्यों सहित BSE और शिक्षा समिति के सदस्य उपस्थित थे। स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट। महानगरों के बदलते बाजारों की श्रृंखला अब पांडुर्णा में बाम्बल बंधु लाए है फ्रेश मार्ट सुपर मार्केट, किराना एंड जनरल, डेली नीड्स, ड्राई फ्रूट्स, किराना, बिस्किट एंड चॉकलेट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। तो आज ही खरीदारी करने पधारिए फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट। फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, पता SBI ATM के बाजू में, महेश्वरी कॉम्प्लेक्स, पंचशील चौक, पांडुर्णा।